फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चित स्थल की बात करेंगे और वीडियो का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डे बाय डे पूरी जो है वीडियो का पीडीएफ आपको मिलता रहता है। पहला सवाल देखते हैं, मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्ति पाने वाला कौन सा पहला यूरोपीय देश हुआ है? तो देश का नाम है स्लोवेनिया। यूरोपीय पहला ऐसा देश है जिसने कोविड-19 से आधिकारिक रूप से मुक्ति पा ली है, वहाँ पर कोविड-19 का खतरा बिल्कुल नहीं है। 4 मई 2020 को किस राज्य में विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण पान मसाला पर एक वर्ष तक का प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है? तो स्टेट है झारखंड, जहाँ के क्या कहते हैं पान गुटखा मसालों का जो जांच हुआ था, नमूने हुआ था, उसमें जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष तक उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है कि अप्रैल 2020 में भांग, जिसको मैरिजुआना कहते हैं, तो मैरिजुआना की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा हुआ है? तो इसका नाम है लेबनान। लेबनान जो है पहला अरब राष्ट्र हुआ है, अरबियन कंट्री हुआ है, जिसने जो है मारिजुआना का जो पौधा होता है, जो भांग की खेती होती है, उसको जो है वैध बना दिया है, यानी कि उसकी खेती जो है वो अब अवैध नहीं मानी जाएगी। और अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 मई 2020 को किस देश ने अपनी मुद्रा, जिसका नाम रियाल था, उसका नाम परिवर्तित करके तोमन कर दिया है? तो देश का नाम है ईरान, जिसने 4 मई 2020 को अपनी मुद्रा, जिसका नाम रियाल था, उसका नाम परिवर्तित करके नया नाम कर दिया है तोमन, और ईरान देश का नाम है। देखिए, सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, सवाल से कई उप सवाल बन रहे हैं जो अलग तरीके से अपना महत्व रखते हैं। अगला है कि फरवरी 2020 में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एस्पेरांजा बेस पर रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। एस्पेरांजा बेस पर किस देश ने अस्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। एक बार दोबारा देखिएगा, हो सकता हो मिलान करने के लिए इस तरीके के सवाल आ जाएं कि मान लीजिए मिलान करने के लिए एक तरफ दे देते हैं अंटार्कटिका प्रायद्वीप और दूसरी तरफ दे देते हैं एस्पेरांजा बेस, या मान लीजिए एस्पेरांजा बेस दे देते हैं और उसको अंटार्कटिका अर्जेंटीना से मिलान करने के लिए दे सकते हैं। तो दोनों ही क्रम में मिलान करने के लिए इसको समझ लीजिएगा। एक ट्रिक है याद करने के लिए कि जैसे अंटार्कटिका में आ है और अर्जेंटीना में आ है, तो अंटार्कटिका अर्जेंटीना और प्लस एरोस्पेंजा एस्पेरांजा एस्पेरांजा बेस इसका नाम है। 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, जिसको आए दिन आप जो है राज्यसभा टेलीविजन या जो भी न्यूज़ सुनते होंगे उसको इस कोकराझार नाम को जरूर सुनते होंगे। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र के वर्धावन में एक नया बंदरगाह जो है स्थापित किए जाने का जो है विचार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और अगला है कि भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया? तो इसका उत्तर होगा केरल। और 9वां है कि 2 फरवरी 2020 को किस देश ने 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के किन 2 जिलों में कृषि निर्यात नीति के तहत केला क्लस्टर अधिसूचित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंतपुर और कडप्पा। और देखिए, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा किस राज्य में केला क्लस्टर की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और जिसका उद्देश्य है कृषि निर्यात नीति के तहत जो है इसको जो है स्थापित किया गया है। और उद्देश्य इसका समझ सकते हैं कि उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा कि कृषि एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देना, जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्हेंस किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र ये खोला गया है हैदराबाद में। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो पशु युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जाएगा। भारत की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। और अगला है कि जनवरी 2020 में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल, जहाँ पर कचरे के दोनों ही प्रकार के जो घरेलू कचरा है और जो वाणिज्यिक कचरा है उनका जो है पृथक्करण होगा, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा जो है वो अलग अलग किया जाएगा, उनका प्रसंस्करण होगा, उनको जो है अलग तरीके से तैयार किया जाएगा और उनका पूरी तरीके से निपटान होगा, ताकि वो पर्यावरण में विसरित होकर के पर्यावरण को नुकसान ना करें।
और नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उड़ीसा के बलांगीर जिले में नवनिर्मित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र किस तेल विपणन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है BPCL। देखिए विकल्प में सारे नाम दिया गया है, HPCL, RIL, IOCL। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जो है, ये विकल्प जो है गलत है, सही है BPCL। अब देखिए इस प्रश्न में एक कई प्रकार के सवाल बन रहे हैं। एक तो सवाल यही बन रहा है कि हाल ही में नवनिर्मित LPG बॉटलिंग संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है, तो उड़ीसा में बनाया गया है। दूसरा सवाल यहाँ से बन रहा है कि हाल ही में नवनिर्मित उड़ीसा में LPG बॉटलिंग संयंत्र जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो सवाल ही है कि तेल विपणन किस तेल विपणन कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इसको BPCL के द्वारा स्थापित किया गया है। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थापित किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम सराय है, से कौन सा द्वीपीय देश सर्वाधिक प्रभावित रहा? आपको पता होगा कि हमेशा जो है चक्रवातों से द्वीपीय देश प्रभावित होते रहते हैं। भारत में अक्सर जो है अरब, जो बंगाल की खाड़ी है, और जो है इस क्षेत्र में जो अरब सागर है, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से हमेशा जो है वो चक्रवात आते रहते हैं। कभी जो है भारत की तरफ, तो कभी जो है इधर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे क्षेत्रों की तरफ आते रहते हैं। तो उनका अलग अलग नाम अलग अलग देशों के द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द जो अक्षर होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो इस देश का नाम है, यानी कि सराय चक्रवात से जो प्रभावित हो देश रहा है वो रहा है फिजी, और फिजी हिंद महासागर में एक जो है द्वीपीय देश है। 24 दिसंबर 2019 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको संक्षेप में भेल कहते हैं, ने भारत की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट क्षमता की तापीय इकाई की शुरुआत की। यह तापीय इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट क्षमता वाली तापीय इकाई होगी। और 18 के बाद में सवाल नंबर 19 में हम देखते हैं क्या लिखा है कि दिसंबर 2019 में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल। ध्यान करने वाली बात यह है कि नाम जिस पुरस्कार की शुरुआत की है उसका नाम है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। यहाँ पर शिक्षा शब्द को जोड़ा गया है, तो इस पुरस्कार को शुरू किया है इसकी शुरुआत करने वाला देश है पुर्तगाल। 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो ये भिवानी में वितरित किया गया है। और भिवानी पड़ता कहाँ पर है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि भिवानी कहाँ पर पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है। और इसको ध्यान में जरूर रखना है कि यहाँ पर जो है पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। देखिए जो लोग हमारा ई दृष्टि वीडियो जो है मंथली जो मैगजीन आती है उसका डिस्कशन हम करते हैं, जो लोग वो वीडियो देखते होंगे उनको इस तरीके का सवाल जो है बेहद अच्छी तरीके से पता होगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता होगा। जो लोग नहीं देखते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और आगे अगर आगे का वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है कि 29 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, ने मध्य प्रदेश की पहली शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के द्वारा किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री भी हैं। और नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल, इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल ने जो है इसके विरोध में जो है अपना प्रस्ताव पारित किया था। सवाल नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और सवाल नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, कि 17 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। यह विंटर ग्रेड डीजल पहली बार किस रिफाइनरी में उत्पादित किया गया है? तो ये उत्पादित किया गया है हरियाणा की पानीपत तेल रिफाइनरी में। देखिए यहाँ पर इस सवाल के साथ में यह वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे की वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो प्रैक्टिस हैं, जो प्रश्नोत्तरी है, उसको देखेंगे।